हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। और अगर आप मार्केट में न्यू है, न्यू मतलब कि 5 से 6 महीने हुए हैं, तो इस वीडियो का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आप ले पाएंगे, क्योंकि आपको अपने दिमाग में कुछ भी रीराइट नहीं करना पड़ेगा। आज की जो वीडियो है ये हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट सीरीज का पार्ट 1 होने वाली है। इसके बाद मैं और भी कई पार्ट बनाऊंगा, जैसे कि जो पार्ट 2 होगा उसमें हम बात करेंगे कि इंडिकेटर के थ्रू हम इस स्ट्रेटेजी को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसके अंदर हम बिगर टाइम फ्रेम के अंदर मेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ उन्हें ऐड करेंगे। पार्ट 4 में हम बात करेंगे कि कैसे हम इंट्राडे के स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं और जो स्टॉक्स हमने फाइंड करे हैं कि उसमें से भी हम कौन से जो बेस्ट स्टॉक होंगे उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होगा पार्ट 4 में। पार्ट 5 में हम बात करेंगे साइकोलॉजी और माइंडसेट के बारे में। उसके बाद पार्ट 6 आएगा जिसके अंदर मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा। और ये 6 वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा कि आप 10,000 कमाएंगे तो आप 40,000 कमाएंगे, और अगर आपकी किस्मत में लॉस करना होगा, मान लीजिए कि 1,00,000 का लॉस लिखा होगा, तो आप सिर्फ 10 से 20,000 का लॉस लेके निकलेंगे। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, इतनी बेहतरीन वीडियो बनाने के बाद मेरी आपसे यही एक्सपेक्टेशन होगी कि इस पे हाई व्यूज आए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन आए, क्योंकि उसके बाद ही मैं इस सीरीज में और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो पाऊंगा। तो चलिए बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलूं, कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हम इसमें जो टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं वो हम यूज करेंगे 5 मिनट का, और इसके साथ ही हम आज साइकोलॉजिकल लेवल्स के बारे में बात करेंगे, फिर सिंपल और सुपर जो लेवल होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और लास्ट में जो हमारा होगा हम लास्ट डे के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में लास्ट डे कैसे बीता। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आज होता है वो लास्ट डे पे डिपेंड करता है, चाहे स्टॉक मार्केट हो या लाइफ। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा जो हम इस वीडियो में थ्रू आउट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं अब आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। सीधा चार्ट पे ले चलने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, हमें क्या करना है कि जो मल्टीपल एंट्रीज होती है उन्हें रिड्यूस करना है। और ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम अपने जो मल्टीपल हमारे जो एंट्री पॉइंट होंगे उन्हें कम करके। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट होगा वो हम बनाएंगे कंसोलिडेशन जोन के पास। जैसे आप अपना पास लिख लीजिएगा कि जो भी हम एंट्री बनाने वाले हैं वो हमारी कंसोलिडेशन जोन के पास बनेगी। कंसोलिडेशन जोन क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है जब जो मार्केट होता है ऑलमोस्ट इस तरह के पैरेलल चैनल के अंदर फंस जाता है। वो कैसा भी पैरेलल चैनल हो सकता है, और जो स्टॉक होगा वो यहां मूव कर रहा होगा इनके बीच में कुछ इस तरीके से। तो हम यहां पे एंट्री बनाएंगे, लेकिन एंट्री कहां बनाएंगे, हो सकता है वो ऐसे अपवर्ड जा रहा हो या हो सकता है ऐसे ही वो डाउनवर्ड आ रहा हो, ठीक है। लेकिन हमारी एंट्री तब नहीं बनेगी जब वो इस जोन के अंदर फंसा हुआ है, मतलब इस जोन के अंदर अगर वो फंसा हुआ है तो यहाँ पे हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। हम जो एंट्री लेंगे वो यहाँ के ब्रेकआउट पे लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और स्टॉक कुछ कुछ करते हुए धीरे धीरे ऊपर नीचे करते हुए यहां तक आ गया, अब वो जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो ये वाला जो पॉइंट हो रहा है इस वाले पॉइंट पे हम एंट्री लेंगे। ये जो जोन होता है कंसोलिडेशन जोन को हम सेलर जोन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस जोन के अंदर सिर्फ सेलर ही पैसा कमाता है। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तब भी मैं आपको यहां पे अवॉइड करूंगा कि यहां जोन में ट्रेड नहीं लेनी, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करें या बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, दोनों ही सिचुएशन में हमें ट्रेड यहां लेनी है जब वो ब्रेकआउट देने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया कि जो भी हम ट्रेड लेंगे वो कंसोलिडेशन जोन के आसपास प्लान करेंगे, कब, जब वहां पे ब्रेकआउट होगा। प्लस कर देता हूं मैं यहां पे ब्रेकआउट। दूसरा जो हमारा एंट्री एरिया होगा वो हम बनाएंगे सिंपल बट सुपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास। अब देखिए, सुपर और सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं कि मान लीजिए ये ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जैसे मार्केट यहां पे ये एक लेवल था और इससे ऊपर गया और फिर यहां तक नीचे आया, ठीक है। यहां पे से जब इसने ऊपर जाना शुरू किया तो मान लीजिए ये डेट थी 10 तारीख मान लेते हैं हम 2022 की, ठीक है, और 10 अक्टूबर कर देते, तो 10 अक्टूबर 2022 था ये, ठीक है। और उसके बाद जब मार्केट यहां पे दोबारा आया तो डेट थी मान लीजिए आपकी 12 दिसंबर 2022, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट यहां से फिर ऊपर चला गया, ठीक है। अब जो ये जो लेवल होने वाला है ये हमारा सुपर सिंपल सपोर्ट होगा। सुपर सिंपल सपोर्ट क्यों है, क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा इसे कोई जो न्यू पर्सन होगा वो भी फाइंड आउट कर लेगा। तो ये हमारा सुपर सिंपल सपोर्ट होने वाला, रेजिस्टेंस होने वाला है, सॉरी रेजिस्टेंस होने वाला है। और नॉर्मल अगर जब मार्केट यहां से टकरा के अगर नीचे आ रहा है वापस, तो यहां पे अब जो लेवल बनेगा ये सुपर सिंपल सपोर्ट होगा। ये सिंपल इसीलिए है क्योंकि इसे न्यू पर्सन भी फाइंड कर सकता है। तो पहला कंसोलिडेशन जोन के जब ब्रेकआउट होगा तब हम एंट्री प्लान करेंगे, दूसरा हम प्लान करेंगे सुपर सिंपल सपोर्ट के पास। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। जो हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है साइकोलॉजिकल सपोर्ट
और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। देखिए ये वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं जो एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो नहीं है, पर लोगों ने क्या करा है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिया है। कौन से ऐसे होते हैं, जैसे कि 500 वाले लेवल हो गए, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होते हैं जैसे कि बड़े लेवल हो गए राउंड वाले, जैसे 40,000 हो गया। मतलब कि अगर कोई स्टॉक है अगर वो जैसे 1700 पे चला गया तो ये 1700 उसका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होने वाला है, ठीक है, अगर जा रहा है। और अगर मान लो वो यहाँ 1700 से नीचे आ रहा है तो 1600 1500 ये साइकोलॉजिकल लेवल होंगे। और सेम ऐसा बैंक निफ्टी के अंदर भी होता है कि जैसे अगर स्टॉक अभी हमारा 39,000 पे है, ठीक है, तो अगर इससे नीचे आएगा तो जो 38,500 होने वाला है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, उसका 38,000 भी हमारा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा ये, क्योंकि नीचे आ रहा है। और अगर इनके से 38,000 से ऊपर जा रहा है तो ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होने वाला है और ये भी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होने वाला है। तो ये भी लेवल की तरह कई बार वर्क करते हैं। तो जो हमारी थर्ड ट्रेड प्लान होगी वो प्लान होगी साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास। जो पहला पॉइंट था हमारा वो था कंसोलिडेशन जोन। और जो दूसरा पॉइंट हमने बनाया वो था हमारे सुपर सिंपल सपोर्ट और था सुपर सिंपल रेजिस्टेंस। और जो थर्ड पॉइंट था वो हमारे थे साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपको इन तीनों से दिन में कितनी ट्रेड मिल सकती है, तो नॉर्मली जो कंसोलिडेशन जोन होता है, देखिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं, उसके बाद भी जो जेन्युइन कंसोलिडेशन जोन बनते हैं वो मुश्किल से 2 या 3 ही बनते हैं, तो इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो अपने मान लेते हैं यहाँ पे कि जो जोन बन रहे हैं वो सिर्फ 2 बन रहे हैं, ठीक है। सुपर सिंपल सपोर्ट या सुपर सिंपल रेजिस्टेंस, इसमें मोस्टली आपको सिर्फ 1 बार दिन में आप ट्रेड ले पाएंगे, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के पास भी आपको सिर्फ 1 ही बार में ट्रेड मिलेगी। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या हो गया आपका कि आप एक दिन में सिर्फ 4 के करीब ही ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे हमने आपकी जो ओवर ट्रेडिंग की आदत होती है उसे कम करने की कोशिश की है। अब जरूरी नहीं है कि आप 4 जगह ट्रेड ले पाएंगे, हो सकता है आपको किसी एक ही जगह पे ट्रेड मिले या 2 जगह पे ट्रेड मिले। किसी भी ऐसे पर्सन से जिसने मार्केट में 5-6 महीने से ज्यादा बिताए हैं, 1 साल 2 साल, तो उससे जाके पूछिएगा कि उसके प्रॉफिटेबल डेज कैसे लॉस मेकिंग डेज बन गए, क्यों, क्योंकि उस दिन उसने ओवर ट्रेड करी होगी। तो यहाँ पे हमने आपकी जो ये वाली गलती है इसे सुधारने की कोशिश की है। अब मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलता हूं और वहां पे हम बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। हम सबसे पहले ये डे टाइम फ्रेम है, इसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम बना लेंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं किसी भी एक डे पे, रुक जाइए, पहले इससे पहले हमें, मैंने आपको क्या बताया था, आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, सुपर सिंपल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल और जहां कंसोलिडेशन जोन होगा। कंसोलिडेशन जोन कौन सा, 5 मिनट वाला फोकस करना है, और इसके अलावा किसी और कंसोलिडेशन जोन पर फोकस नहीं करना आपको। सुपर सिंपल लेवल के आपने डे चार्ट ओपन किया, इसे मैंने मिनिमाइज किया, ठीक है, ये अभी का इतना आपको दिख रहा है, ठीक है, तो थोड़ा अलग सा हो रहा है। लेकिन अगर इस पर भी हमें सुपर सिंपल लेवल ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रैग करी और ऐसे नीचे के लिए आया, तो ये हमारा एक सुपर सिंपल रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। देखिए सीधी लाइन ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, जहां पे हमें रेजिस्टेंस दिखेगा यहाँ पे आया नीचे गया, यहाँ पे आया नीचे गया, यहाँ पे आया नीचे गया, तो यहाँ पे जो है हमारा सिंपल सुपर सपोर्ट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, इस लेवल पे। और नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो देखिए सपोर्ट ढूंढने में अगर दिक्कत हो रही है ना तो वो सपोर्ट कभी वर्क नहीं करेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक देख रहा हूँ तो मुझे एक सपोर्ट सा दिख रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो मैंने सिंपल एक लाइन पकड़ी और मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया कि हाँ भाई ये मेरा एक सपोर्ट एरिया हो रहा है। बाकी से आप और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हो कि यहाँ से जाओ और पैरेलल चैनल होते हैं वो ड्रॉ कर लो आप। मैंने यहाँ से यहाँ करा और एक यहाँ से यहाँ एक लेवल ड्रॉ कर लिया कि हाँ भाई ये जो है एक मेरे लिए सुपर सिंपल सपोर्ट होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया मैं, पहले कोई सा भी एक रैंडम डे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ये हमेशा डे पे आ रही है, मतलब यहां से लेके यहां तक एक दिन था और उसके बाद नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। मैं रैंडमली कोई सा भी एक डे पिक कर लेता हूँ, चलिए देखते हैं कौन सा डे निकल गया। ये निकल गया 28 मार्च, ठीक है, अब 28 मार्च पे चलते हैं। 28 मार्च पे आया मैं, तो यहाँ पे एक हमारी जो बन रही है ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, हमें कोई नहीं देना। अब हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या देखना है, 2 चीजें बच गई है, हमने सुपर सपोर्ट और सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो तो ड्रॉ कर लिया, पर यहाँ से बहुत दूर है क्योंकि अभी हम पास्ट में आके चेक कर रहे हैं और वो जो लेवल थे वो बाद में बने, तो मतलब एक तरह से वो फ्यूचर के लेवल थे जो सुपर सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए, तो उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, तो वो तो यहाँ दिखेंगे भी नहीं क्योंकि। तो यहाँ पे अब इस करंट पॉइंट पे हमारे लिए क्या होने वाला है, 2 चीजें होने वाली हैं,
एक होने वाला है साइकोलॉजिकल लेवल और दूसरा होने वाला है हमारे लिए जो हमारा कंसोलिडेशन जोन बनेगा। तो अगर मैं ये सारी चीजें भूल जाऊं, ठीक है, मैं सिर्फ एक कैंडल को देख रहा हूं, यहां पे ये ग्रीन बनती है ऊपर जाती है, कंसोलिडेशन जोन हमेशा ही मार्केट खुलने के कम से कम 40-45 मिनट के बाद बनेगा। मतलब आपको 9:15 पे आने की जरूरत नहीं है, आप आराम से 10 बजे आइए, 10 बजे के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ न्यू लोगों के लिए, जिन्हें 6-7 महीने हो चुके हैं वो मार्केट खुलते समय भी आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिला, पर यहाँ पे एक रिवर्सल मिलता है मुझे छोटा पहले से, और उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल मिलता है, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक लाइन खींच दी, अभी मुझे ट्रेड नहीं लेनी है, यहाँ पे एक मैंने सिंपल लाइन ड्रॉ कर दी कि हाँ जी यहाँ से ये रिवर्स हो गया, ठीक है, इतना सा बस। उसके बाद ये ऊपर गया और यहाँ से फिर रिवर्स हो गया, तो अब मुझे ऊपर एक रेजिस्टेंस मिल गया, मतलब कि मेरा एक कंसोलिडेशन जोन बन गया यहाँ तक, और इसे मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और नीचे क्या हुआ, नीचे यहाँ से रिवर्स हुआ, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन जोन मिल गया मेरा, जो कुछ इस तरीके से जा रहा है यहाँ तक। देखिए मैं सिर्फ इस दो लाइन को जोड़ सकता हूँ, मुझे तीसरी लाइन नहीं पता वो कहाँ से जाएगी, ठीक है, तो मैंने सिर्फ इस लाइन से जोड़ दिया और इसे सीधा कर दिया, ठीक है, ये था। अब जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार आया, यहाँ तक मैंने एंट्री नहीं ली है इस रिवर्सल तक, और उसके बाद यहाँ तक मैंने कोई एंट्री नहीं ली है, यहाँ तक जब ये रिवर्स हो चुका है, अब उसके बाद ये यहाँ पे वापस आया, ठीक है, और इसने रेड कैंडल बनाई। अब जैसे ये रेड कैंडल तोड़ेगा ना, मैं यहाँ पे एक छोटी ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है, इस लेवल के नीचे। क्यों? क्योंकि मेरा अंदाज़ा ये है कि अब ये कुछ इस पॉइंट के करीब जाएगा, यहाँ जो एक लाइन बन रही है इस लाइन के करीब तक जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत स्मॉल और क्विक ट्रेड होगी, पर मैं ले लूँगा इसे। तो ये जैसे ही इस वाली रेड कैंडल के नीचे गया, ठीक है, कुछ यहाँ पे, तो मैंने ये ले ली, और उसके बाद जैसे इस लाइन तक पहुँचा मैं निकल गया। बहुत छोटी सी ट्रेड है, 25 पॉइंट की है, 5-6 पॉइंट मिलेंगे मुझे, या हो सकता है 10 पॉइंट भी मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, तो यहाँ पे जो होता है ना प्रीमियम आपके फेवर में कम चलेगा। मैंने छोटा सा पॉइंट लिया और मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। उसके बाद मेरी दूसरी ट्रेड देखिए वो कहाँ पे बनी, दूसरी ट्रेड जब ये यहाँ से ऊपर जाने लगा, अब मैं ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है ना वो बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है। यहाँ पे फिर भी थोड़ा एक स्पेस था 50 पॉइंट के करीब तक का, लेकिन यहाँ पे जो स्पेस है वो बहुत ही कम हो गया, कुछ 30 पॉइंट के करीब का ही होगा, ठीक है, लेकिन मैं ट्रेड कहाँ लूँगा, इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसने ये कंसोलिडेशन जोन तोड़ दिया, और कैसा कंसोलिडेशन जोन था, जो पूरे दिन बना लगभग 9:15 से लेके ये हमारा 11:45 तक, मतलब कि 2 घंटे से ज़्यादा, 2-2.5 घंटे ये हमारा कंसोलिडेशन जोन बना। उसके बाद मैंने यहाँ ट्रेड ली, और जब मैं इस ट्रेड में एंटर हुआ ना, तो आप खुद देखिए कि कहाँ तक का वो बन रहा है, कुछ 160 पॉइंट में, 160 पॉइंट नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ तक लालच में बैठा रहता, ये बनता हैमर, और उसके बाद नीचे भी नहीं आया, ठीक है, खास नीचे भी नहीं आया, तो मैं यहाँ पे भी नहीं एग्जिट करता। मैं कहाँ एग्जिट करता, इस पॉइंट पे, अब क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडलें बन चुकी थी, ठीक है, तो मैं ये वाली कैंडल जब अब इस रेड लाइन को नीचे तोड़ती ना, मैं यहाँ एग्जिट कर जाता, ये कन्फर्म था। तो मुझे कितने पॉइंट मिलते एक्चुअल में, मैं कुछ ले पाता यहाँ तक, इतने पॉइंट मान लीजिए कि मैं सिर्फ 100 पॉइंट के करीब ही ले पाता, ठीक है, इससे ऊपर 100-120, इससे पॉइंट ज़्यादा पॉइंट मुझे नहीं मिल पाते। अब हमारे यहाँ तक कितना टाइम हो गया, इस वाली कैंडल के करीब मैं एग्जिट हूँ, 12:30 बज चुके हैं, कितनी ट्रेड मिली यहाँ तक मुझे, यहाँ तक सिर्फ मुझे मिली एक ट्रेड। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, तो देखिए अब इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा कुछ देर बाद, ठीक है, मैंने देखा मार्केट यहाँ से आया ऊपर चला गया, और यहाँ से नीचे हो गया वापस, और फिर यहाँ तक आया, फिर ऊपर चला गया, फिर दोबारा क्या हुआ कि मुझे दो लाइनें वापस मिल गई, मैंने इन दो लाइनों को फिर जोड़ दिया, ठीक है, और जोड़ के आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने इन दो लाइनों को जोड़ा तो मुझे नीचे एक यहाँ का सपोर्ट दिख रहा था खाली, जो मेरा पहले वाला चला आ रहा था, ठीक है, इसके अलावा बीच में मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा था। क्यों? यहाँ पे मतलब बायर बहुत स्ट्रांग थे, सिंपल सी बात है ना, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर मैं बात करूँ, जो ये जो एरिया हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा एरिया बायर्स का हो रहा है, बहुत स्ट्रांग थे यहाँ पे बायर्स। तो जब ये नीचे भी ब्रेकआउट करेगा ना, मैं यहाँ ट्रेड नहीं लेने वाला। मैं ट्रेड कहाँ लूँगा, मैं इस पॉइंट पे ट्रेड लूँगा कि या तो अब वो इस वाले लेवल को से ब्रेक कर जाए, ठीक है, यहाँ से इसके नीचे चला जाए तब मैं ट्रेड लूँगा, वरना मैं नहीं लेने वाला। क्यों? क्योंकि वो मेरा सिंपल लेवल नहीं हो रहा है, यहाँ तो मुझे दिख रहा है ना, ये एरिया तो बायर्स का है, बायर्स ने यहाँ पे एक रेड कैंडल तक नहीं बनने दी इतनी दूर तक, तो मैं यहाँ पे क्यों रेड कैंडल की वो उम्मीद करूँ। और अब आप ये देखिए हुआ क्या, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है,
इस लेवल के पास आया हमारे, जहां मैं आपसे बोल रहा था, क्योंकि यही एक लेवल दिख रहा है हमारा, और ये लेवल बना हमारा सपोर्ट लेवल। इसके पास आया और यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, रात में एक रिवर्सल कैंडल भी बनी हमारी, ग्रीन कैंडल बनी, और जब ग्रीन कैंडल का हाई टूटा ना, तो हम यहाँ से एक ले सकते थे एंट्री, और ये एंट्री कहाँ तक जाती, सिर्फ यहाँ तक। ये जो एंट्री थी हमारी सिर्फ इस पॉइंट तक चलती, लेकिन ये कैंडल बिल्कुल सीधी बनती गई, तो मैं क्यों एग्जिट करूँगा। और उसके बाद अब ये देखिए, यहाँ पे एक हमारा दूसरा लेवल आ गया बन के, ठीक है, इस कैंडल यहाँ तक पहुँची और उसके बाद ही ज़रूर यहाँ तक नीचे आई थी, तो मैं यहीं एग्जिट कर जाऊँगा। हो सकता है लोग आपको यहाँ तक का दिखाएं कि नहीं ये तो यहाँ तक ऊपर जाएगी, लेकिन मैं यही एग्जिट कर जाऊँगा। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप ये डॉटेड देखें ना, तो ये नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है, ठीक है, मतलब कि हमारा क्या एंटर हुआ कि ये वाली जो हमारी एंट्री होने वाली है ना, ये हम नेक्स्ट डे लेने वाले हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमें लास्ट डे पे क्यों फोकस करने की ज़रूरत होती है। अब मैं ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आपको फोर्थ पॉइंट नहीं बताया कि हमें लास्ट डे पे फोकस करना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हमारे लिए ख़त्म हुई, ठीक है, मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। अब सपोज़ कीजिए कि इस दिन तो आपको एक ही ट्रेड मिली जो आपने यहाँ से उठाई थी, और अच्छी खासी 100 पॉइंट की आपको ट्रेड मिल गई, और मुझे यहाँ पर एक छोटी ट्रेड और मिली थी 25-30 पॉइंट की, ठीक है। अब नेक्स्ट डे में अगर हम बात करें, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट डे में अब क्या करेंगे, पहले प्रीवियस डे पे जाएंगे और प्रीवियस डे का हम लो मार्क कर लेंगे सबसे पहले, तो ये वाला, क्योंकि ये अब हमारे लिए एक सुपर सपोर्ट बनेगा, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक सुपर सपोर्ट बनेगा, पर ये इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कि डे वाले सपोर्ट सुपर सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं मार्क कर लूँगा यहाँ पे इसका क्लोज, जो कि कुछ यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि ये अब एक सपोर्ट का काम करेगा ये भी, ठीक है। और हाई पे मैं फोकस नहीं करूँगा, हाई पे ये वाले हाई पे कह रहा था कि मैं इस वाले हाई पे फोकस नहीं करूँगा, मैं इस वाले हाई पे फोकस करूँगा, जो ये जो सबसे ऊपर वाला जो एकदम टॉप बन रहा है ना, इस वाले हाई पे फोकस करूँगा मैं सिंपल आज, ठीक है, और किसी हाई पे नहीं फोकस करने वाला। अब देखिए, अब आज की डे की मतलब प्रीवियस डे को छोड़ के नेक्स्ट डे की ट्रेड के बारे में बात करते हैं, कैसे फॉर्म करेंगे हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्लोज था हमारा, ठीक है, 42,980, यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल 43,000 के पास बिल्कुल, ठीक है। अगर ये सेम यहीं पे खुलता, 42,981 के आसपास ही खुलता, तो यहाँ पे चांस होते कि नीचे आने के, लेकिन ये गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, ये गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, तो मैं सिंपल एंट्री ले लूंगा और स्टॉप लॉस क्या रखूंगा, मैं इस कैंडल का लो रखूंगा स्टॉप लॉस सिंपल, इस कैंडल का लो टूटा मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एंट्री ले लेते, ठीक है, और ये एंट्री बहुत फास्ट होती, इस एंट्री में हम यहाँ पे आते और उसके बाद यहाँ ये जो देखिए रेजिस्टेंस लेवल मैंने ये ड्रॉ करा है, लेकिन मैं एग्जिट ना यहीं पे हो जाता, क्यों हो जाता, क्योंकि कल जो मार्केट है 3 बार यहाँ से रिवर्स हुआ था, ठीक है, मार्केट 3 बार यहाँ से रिवर्स हुआ था, तो मैं क्या करता कि जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बनने लगती ना नीचे आती, मैं उसी समय रिवर्स करता, उसी समय अपनी ट्रेड काट देता, क्यों, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेजी से डाउन होता। और ये समझिए, अगर मैंने यहाँ पे मार्केट खोला, ठीक है, तो मैंने थोड़ा ऊपर आके करीब एंट्री ली होगी, ठीक है, तो यहाँ तक भी मुझे 100 पॉइंट मिल जाते, और इन 100 पॉइंट में ना उम्मीद थी कि मेरा प्रीमियम जो है कम से कम 80 के करीब जरूर जाता, तो ये फायदा होता, और मैं खोना नहीं चाहता 80 रुपये का प्रीमियम, तो मैं यहीं पे ही एग्जिट कर देता। उसके बाद जो दूसरी एंट्री में लेता ना, मैं यहाँ पे लेता, जब ये इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देता, ठीक है, और क्लोज हो गया, ठीक है, तो अगली कैंडल जहाँ पे भी बनती मैं उस पर एंट्री ले लेता, और स्टॉप लॉस क्या होता, सेम इसके नीचे की क्लोजिंग कैंडल मेरा स्टॉप लॉस होती, तो मैं उसके बाद जब यहाँ एंट्री लेता, ठीक है, तो यहाँ पे से मुझे ज़्यादा नहीं मिलता, कुछ यहाँ कहीं के करीब मैं एग्जिट हो जाता, ठीक है, क्योंकि जब रेड कैंडल बनती ना, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे जब यहाँ से निकलता धीरे धीरे और रेड कैंडल बनती, तो मैं यहाँ पे 65 का गेन दिख रहा है, पर मुझे एक्चुअल में 30 पॉइंट का ही गेन होता, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन में फंस चुका होता मैं, तो 30 पॉइंट का मिलता, पर मेरा स्टॉप लॉस क्लियर था कि हाँ मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा, नीचे ही जैसे आ जाएगी कैंडल क्लोज होने के लिए। तो इस तरह के से आप डे जो लास्ट डे होता है उस पर फोकस करते हैं। क्या फोकस करते हैं लास्ट डे पे, लास्ट डे के लो पे फोकस करते हैं, लास्ट डे के क्लोज पे फोकस करते हैं, और लास्ट डे के हाई पे फोकस करते हैं, ठीक है, और हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल का ध्यान रखते हैं। 43,000 जैसे कि यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिली, अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल नहीं होता तो यहाँ पे हमें इतनी बड़ी 100 पॉइंट की ट्रेड नहीं मिल पाती। गाइज उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट वन है, इसके बाद के जो पार्ट टू आने वाले उसमें हम कैंडल स्टिक के बारे में, जो सुपर सपोर्ट से भी ऊपर सपोर्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साइकोलॉजिकल के बारे में बात करेंगे, माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। यकीन मानिएगा ये सीरीज इतनी भयंकर होगी ना कि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आप
एक मैं आपको प्रो ट्रेडर तो नहीं बोलूंगा कि आप प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, पर आप ऐसे ट्रेडर बन जाएंगे जो जिसका लॉस होगा वो हमेशा बहुत कम होया करेगा, और जब प्रॉफिट होगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के निकलेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है, शेयर करना है, उसके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि बस मेरी इतनी उम्मीद है, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो ये छोटी सी डिमांड तो आप मेरी पूरी कर ही सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।